सबको रिहा किया जाए। भाई एक कार फोड़ने के लिए 100-200 आदमी नहीं लगते हैं, दो अके आदमी भी ठहर के 10 कार 5 मिनट में फोड़ सकते हैं। तो इसके लिए 200-200 आदमी को पकड़ के हरासमेंट करना, ये टोटली बंद करे एडमिनिस्ट्रेशन, और सारे लोगों को इमीडिएट रिलीज़ करे, और वहाँ पे जो हम जो रिलीफ के डिमांड किए हैं, जो कंपनसेशन के डिमांड किए हैं, वो सारे फुलफिल करे, और जो लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया 144 तोड़ने वालों को, हेट स्पीचेस देने वालों को, कम्युनल इंस्टिगेशन करने वालों को, जो सेक्युलर हारमोनी को तोड़ने की हरकत करे हैं, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करने की हरकत करें, ये लोगों को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता, हम लोग कल से बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के पास जगत सर्कल पर धरना बैठ रहे हैं। थैंक यू। इज ए पिलग्रिमेज ऑफ सेक्युलरिज्म, शायद ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को, जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी जो अलंद का वाकया है, बड़ा शर्मनाक और दर्दनाक वाकया है। यहाँ पे मैं इसमें ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन आर सप्लीमेंटिंग ईच अदर इन दिस होल कम्युनल सिनेरियो, और जो हरकतें हुई हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके से अरेस्टिंग वगैरह करके लोगों में एक दहशत का माहौल बनाने का काम किया है। जैसे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का पहले से एक अनाउंसमेंट हो चुका था कि वो अलन जाएंगे, जाके वो पूजा पाठ करेंगे, अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर वगैरह सारा उनका था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो ये जो बीजेपी MLAs MPs वहाँ पे, मिनिस्टर जो पहुँचे या हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेकर वो वहाँ पे जो है इंसिडेंट को उस तरीके का सीवियर होने से बचाया जा सकता था, लेकिन ये काम नहीं कर सका एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ में जिस दिन वहाँ पे मसला हुआ, जहाँ पे जैसा रिपोर्ट्स हुए हैं कि स्टोन पेल्टिंग का वगैरह है, उसके पहले क्या क्या सिनेरियोज है, उसके पहले क्या क्या हरकतें हुई, ये भी देखना ज़रूरी है। वहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे तक प्रोवोकेटिव स्पीचेस हुए, इंस्टिगेशन, हेट स्पीचेस और हेट स्लोगन्स, ये सारी चीज़ें होते रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज स्पेक्टेटर देखता रहा वहाँ पे, उसको रोक नहीं सका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से कि इस मामले में नाकाम हो रहा है, तो वॉट एवर हु एवर दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स, इट इज़ ओनली फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन पर्पस। और उसके बाद जैसा स्टोन पेल्टिंग वगैरह का जो एक सिनेरियो हुआ है, इसकी भी जिम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसा अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है रिपीटेडली कि भाई देर वॉज म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोथ द ग्रुप्स, बट व्हाई डिड द एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू इन्फॉर्म द पब्लिक, सवाल ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ऐलान कर सका कि भाई 10 दिन पहले या 8 दिन पहले जो है एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है दोनों ग्रुप्स में, एंड इट विल बी एवरीथिंग पीसफुल एंड सिस्टमेटिकली होगा, पीसफुली होगा, एम्बिकबली होगा, ये सारा ऐलान किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ऐलान नहीं करना भी एक जो है ना, ये बड़ी नाकामी है जो माहौल को उतना उस हद तक चला ले गया। अब हमारा जो है काफ़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, दलित ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें CPI CPM के मेंबर्स भी रहेंगे। कल हम जगत सर्कल पे बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति के पास धरना बैठ रहे हैं अलंद इशू के ऊपर, और ये धरने के मेन मकसद या डिमांड जो है, फ़ौरन जो अरेस्टिंग हो रही है, जो 2 दिन पहले तक की हमको न्यूज़ है, वो अरेस्टिंग इमीडिएट रोकी जाए, कोई और फर्दर अरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से मिडनाइट रेड्स हुए हैं, भले एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि दे स्टार्टेड अरेस्टिंग एट अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM एंड आई कैन क्लियरली गिव देम द एविडेंस दैट द रेड हैज़ बीन स्टार्टेड एट अराउंड मिडनाइट, आई हैव द वीडियो एविडेंसेस, आई हैव स्पोकन टू मल्टीपल ह्यूमंस इन आलम, सो आई कैन सबमिट देम द ऑल द वीडियो एविडेंसेस टू काउंटर देयर स्टेटमेंट्स एंड वॉट एवर द स्टेटमेंट दे हैव गिवन ऑन इट। वो जो है, जो एक पैनिक क्रिएट किया गया पुलिस की वजह से वहाँ पे अलन में अरेस्टिंग के दौरान, वो जो डेथ हुए हैं बिकॉज ऑफ पैनिक हुए हैं। अगर पुलिस का एक एट्रोशियस एक्ट नहीं होता, ये एक असॉल्ट टाइप का एक्ट नहीं होता, तो पैनिक क्रिएट नहीं होता था। पैनिक क्रिएट नहीं होने से लोगों की शायद जाने नहीं जाती थी और बच सकते थे। अब चाहे आप कार्डियक अरेस्ट से मरे बोलिए या पैनिक अटैक से मरे बोलिए, द रीज़न बिहाइंड दम इज़ द एट्रोशियस एक्ट ऑफ पुलिस और हाई हैंडेडनेस ऑफ पुलिस इन अरेस्टिंग द पीपल इन आलम। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि भाई अरेस्टिंग ऐसे मिडनाइट की गई, बहुत प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया गया है, कई डोर्स वगैरह तोड़े गए हैं। ये सारी चीज़ों का कंपनसेशन हम डिमांड कर रहे हैं धरने से, जो मरे हैं वो लोगों के लिए कंपनसेशन,
और जो प्रॉपर्टी को पुलिस डैमेज करी है ये कंपनसेशन चाहिए। और साथ में जिस तरीके से पूरा सिनारियो सबको पता है कि भाई करे कोई भरे कोई जो मामला हो रहा है यहाँ पे, इंस्टिगेशन करे और कोई और, रैली निकाले प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई और, हेट स्पीचेस दे कोई और, क्या बीजेपी के एमएलए एमपी जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टिगेट करे वहाँ पे, उनको क्या अरेस्ट किया गया है अभी तक? अगर वो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन वो बीजेपी एमएलए वो सेंट्रल मिनिस्टर वहाँ पे नहीं जाते तो वहाँ पे ये माहौल ही क्रिएट नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं ये जैसे मैं बता रहा था एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, इसके लिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहाँ तक जाने दिया, ये माहौल को ख़राब करने दिया, नहीं तो ये सारे लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी लेकर गुलबर्गा में ही रोका जा सकता था या इनको इनके ही घर पे हाउस अरेस्ट करके रखा जाता था और ये माहौल को पीस डिस्टर्ब होने से, माहौल इतना ख़राब होने से रोका जा सकता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बड़ा ज़िम्मेदार है, बड़ा नाकाम है। इसके लिए हम और जो मुख्तलिफ हमारे डिमांड्स हैं उसके साथ ये भी डिमांड करते हैं कि इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, सिटिंग हाईकोर्ट जज के अंडर में इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, जो जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर केसेस होने चाहिए। जो हेट स्पीचेस हैं जो सेक्शन 144 तोड़ा गया है, इसमें रिपीटेडली एक बात आ रही है कि भाई एमएलए एमपी जो थे सिर्फ सेक्शन 144 तोड़े हैं, सिर्फ सेक्शन 144 नहीं तोड़े हैं, उनके ऊपर हेट स्पीचेस का केस बनना चाहिए, उन पर प्रोवोकेशन इंस्टिगेशन के केसेस लगना चाहिए, और जो जो लोग वहाँ पर थे वो लोगों पर भी ये सारे केस लगना चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ को जो अरेस्ट किया गया है, ये एक देखने के बाद ये लगता है कि इट इज़ टोटली बायस्ड एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। सो वी अपील द एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टू बिकम ए पॉलिटिकल टूल इन हैंड्स ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट एंड वर्क फ्री एंड फेयरली एंड स्टॉप अरेस्टिंग द पीपल इमीडिएटली एंड रिलीज द पीपल हुज नेम्स आर नॉट इन द FIR एंड ऑल्सो द अदर थिंग विच वी नोटिस्ड from 1st to 5th, as the situation was said, the area is under 144, but unfortunately, I will clearly say it on record, it was not 144, but I will say it was an undeclared curfew in Alland. It was like punishing the people of Alland for no fault of their. Sare dukane wagara band the, wo dukane band rehne se, wahan pe logon ko khane ke liye tak problem ho raha tha, bachon ke liye doodh nahi tha. तो ये एक मानव में जो है एक पनिशमेंट देने का जो एक्ट जो किया है एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक बड़ा शर्मनाक एक्ट है। हमें सारे ऐसे चीज़ें बयाज एक्ट्स को कंडम करते हैं और रिपीटेडली अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फौरन ये अरेस्टिंग बंद करे और जो जो बेकसूर हैं उनमें सबको रिहा किया जाए। भाई एक कार फोड़ने के लिए 100-200 आदमी नहीं लगते हैं, दो आदमी भी ठहर के 10 कार 5 मिनट में फोड़ सकते हैं। तो इसके लिए 200-200 आदमी को पकड़ के हरासमेंट करना ये टोटली बंद करे एडमिनिस्ट्रेशन।